बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद आदिकाल से ही गंगोत्री से रावल द्वारा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल कलश लेकर जाया जाता है। बुधवार को गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज कलश को लेकर हरिद्वार निरंजनी अखाड़े पहुंचे। यहां मौजूद साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। निरंजनी अखाड़ा में मां मनसा देवी की चरण पादुका का विधिवत पूजन किया है। गंगोत्री के रावल मुरादाबाद से होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का गंगोत्री के जल से अभिषेक करेंगे। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने कहा कि यह अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश यह परंपरा रोकी गई, मगर रविंद्रपुरी महाराज ने एक बार फिर से इस परंपरा की शुरुआत की है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का हरिद्वार पंचायती निरंजनी अखाड़े में भव्य स्वागत और आज इस परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद के लिए रवाना की गई है। साल की भांति साल भी जो है हमारे महाराज श्री जो है गंगा जल यहाँ से लेकर के नेपाल लेके जाएंगे। और जो परंपरा बहुत पहले से बीच में ये परंपरा लुप्त हो गई थी और अभी ये परंपरा महाराज श्री ने दोबारा शुरू किए। कहीं साल हो गए आप जो वहाँ से गंगा जल आता है यहाँ पे।